बेसिकली जो भी कंट्री इस टाइम पे अफगानिस्तान के लिए कोई हेल्प नहीं कर रही है, उनको ये समझना चाहिए कि ये एक सिर्फ अफगानिस्तान की बात नहीं है और या कोई रिलीजन की बात नहीं है, ये एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है जो अफगानिस्तान पे आई हुई है और लोगों को इसके बारे में बात करना चाहिए, स्पेशली इसलिए क्योंकि वहाँ पे औरतों और बच्चों के लिए कोई राइट्स नहीं होंगे। अगर वो रूल में रहेंगे तालिबान तो औरत अपनी आवाज़ अपने लिए कभी नहीं उठा पाएगी, अपनी मर्जी से काम नहीं कर पाएगी, वो कभी कुछ नहीं कर पाएगी और सिर्फ एक सेक्स स्लेव्स के तौर पे वहाँ पे वो लोग रह पाएंगे और बस। तो यहाँ पर जैसे दूसरे देश में जा रहे हैं, वहाँ पर जो बर्ताव हो रहा है उसके बारे में आप क्या कहिए महिलाओं के साथ? सो बेसिकली आई एम सो हैप्पी, उन लोगों को सिर्फ ये नहीं दिख रहा है कि वो लोग क्या कैसे ट्रीट हो रहे हैं, उन लोगों को सिर्फ इस बात की खुशी है कि वो लोग अफगानिस्तान से बाहर आ गए हैं, तो वो एक सेफ्टी जो आपको मिल जाती है उसके बाद आप कुछ और नहीं सोच सकते हो उसके लिए। तो लोग गलत फेवर भी मांगते हैं, कई तरीके की उनको परेशानी झेलने को मिल रही है, तो इस समय में सरकारों को क्या करना चाहिए, खासकर जो भारत में आ रहे हैं, भारत सरकार से आपकी क्या उम्मीद है? सरकार तो देखिए सिर्फ वीजा और ये सब दे सकती है, उसके बाद हिंदुस्तान की जनता है, लोग हैं जिनको अपने अंदर ये समझना चाहिए कि अगर कोई औरत अपनी जान बचा के और अपनी फैमिली को छोड़ के और इतनी सारी मुश्किलों से होके इंडिया आ रही है तो वो एक होमली एनवायरनमेंट चाहती है, एक सेफ जगह रहना चाहती है सो दैट उसको ये चीज़ें फेस ना करना पड़े। तो प्लीज़ यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो मैन हैं, कोई भी है यहाँ पे, प्लीज़ प्लीज़ टेक केयर ऑफ ऑल द रेफ्यूजीज दैट आर कमिंग एंड प्लीज़ रीच आउट टू देम एंड हेल्प देम आउट बिकॉज देयर इन नीड। हाल में ये देखा गया कि वहाँ के एयरपोर्ट पे कुछ भारतीय ओरिजिन के लोगों को रुका गया, उन्होंने बोला कि आप अफगान हैं, आप अफगानी हैं, आपको यहाँ रुकना पड़ेगा, आप यहीं रहेंगे, इसको आप किस तरह देखते हैं? बेसिकली तालिबान चाहते नहीं है कि वहाँ के लोग बाहर छोड़ के चले जाएँ वहाँ से। इवन कल ही मुझे सुनने को आया था कि तालिबान जो लोग भी एयरपोर्ट पे आ रहे हैं, स्पेशली यंग यूथ, उन लोगों के पासपोर्ट उनसे छीन के फाड़ रहे हैं सो दैट वो लोग वहाँ से निकल ना पाए, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके अंडर ही रहे। उनको पता है कि आज की जो लोग हैं और जो पिछले 20 साल के लोग थे उस टाइम के और आज की यूथ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, हम लोग अपनी आवाज़ उठाएंगे, हम लोग चुप नहीं बैठने वाले, इस डर से वो लोग उनको निकलने नहीं दे रहे वहाँ से। मीडिया किस तरीके से दिखा रही है, क्योंकि एक जो मीडिया का तबका वो दिखा रहा है कि तालिबानी महिलाओं की हिमायती है, महिलाओं के लिए मतलब आवाज़ उठाएंगे, महिला अधिकारों की बात करते हैं। आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखी है कि वहाँ औरतों को ग्राउंड के बीच में जाके हंटर से मारते हैं, स्टोन कर देते हैं उसको, हर एक तालिबानी आके अपने टाइम से अपनी बारी से उसको मारते हैं। आई हैव माई वीडियोस मेरे पास, मैंने अपने सोशल मीडिया पे अपलोड किया हुआ है जो 20 साल पहले की है, 5 तालिबानियों के हाथ में हंटर्स है और एक औरत बेचारे को बीच में बिठा के वो लोग हंटर से मार रहे हैं। उसकी क्या गलती हुई होगी कि उसने बुर्का नहीं पहना, उसकी क्या गलती हुई होगी कि वो अपने घर से अपने घर के मर्द के बिना बाहर आई है। तो ये चीज़ों के इस सर्कमस्टांसिस के अंदर किसी भी औरत और किसी भी बच्चे का अफगानिस्तान में रहना कभी भी सेफ नहीं था और ना ही रहेगा। फैमिली से बात हो रही है, अभी हालात कैसे हैं वहाँ? बहुत खराब है हालात, सारे जो दूसरे सिटीज़ के सारे लोग थे सबके सब काबुल आ चुके हैं, अपना घर अपनी ज़िंदगी अपना काम सब छोड़ के लोग काबुल में बैठे हुए हैं और 10,000 से ऊपर के लोग, ज़्यादातर लोग सारे एयरपोर्ट में बैठे हुए हैं इस उम्मीद पे कि कोई फ्लाइट आएगी और हमें यहाँ से ले जाएगी और हम लोग इस एनवायरनमेंट से निकल पाएंगे और अपनी जान बचा पाएंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि बैंक बंद है, करेंसी नहीं मिल पा रही, नहीं मिल पा रही, मुश्किल है। जिन लोगों के पास पासपोर्ट नहीं है, गवर्नमेंट बंद हो चुकी है, वहाँ पे पासपोर्ट ऑफिसेज ओपन नहीं है, वीज़ाज बिल्कुल नहीं है, सिर्फ इंडिया जो है वो वीज़ा प्रोवाइड कर रही है, वो भी ई वीज़ा विच इज़ स्टिल पेंडिंग, अभी तक किसी को कोई वीज़ा मिला नहीं है जैसा प्रॉमिस किया गया है, बट हम लोग होप कर रहे हैं कि इंशाल्लाह कोई वे आउट निकले और कमर्शियल फ्लाइट्स वहाँ पे खुल जाए सो दैट पीपल कैन एक्चुअली फ्लाई आउट एंड सेव देयर लाइव्स। हाल में बाइडेन सरकार ने और उनके जो होम सेक्रेटरी हैं उन्होंने डिफेंड किया कि वहाँ का सेना का विड्रॉवल है वो जायज है, उनका जो पर्पज़ था वो फुलफिल हो गया है इसलिए वो सेना विड्रॉ कर रहे हैं। इसको आप कितना संवेदनशील मानते हैं कि अमेरिका के द्वारा उठाया गया कदम ये जायज है या अनैतिक है? दिस इज़ वेरी अनएथिकल, दिस इज़ रॉन्ग। इन्होंने जी बीच में ऐसे अपने टाइम पे अपनी बेनिफिट्स के लिए जब ये लोग आके अफगानिस्तान में घुसे थे कि हम आपकी हेल्प करेंगे, इन्होंने
पूरा अफगानिस्तान को अंदर से खोखला कर दिया, सारी मिनरल सब कुछ लेके। नाउ इनका जो भी पर्पस था, आई एम नॉट पॉलिटिकली वेल एजुकेटेड बिकॉज ऑफ द सिचुएशन जो भी इन लोगों के बीच में होता है या जो भी कंट्रीज हो रही है, ये तो सिर्फ उन्हीं को पता है कि क्या हो रहा है। बट आप जब आपका बेनिफिट था, आप तब वहाँ पे आ रहे हो, सामान जो भी आपको मिल रहा है आप पूरी कंट्री को लूट रहे हो, एंड देन उसके बाद आप बीच में से एकदम से अचानक से उठ के चले जाओगे कि बाहर में जाए लोग और बाहर में जाए सिविलियंस, हमारा ह्यूमैनिटी से कोई लेना देना नहीं है। इतनी तो ह्यूमैनिटी हर एक बंदे में होती है और होनी ही चाहिए। किसे जिम्मेदार मानते हैं आप, अमेरिका को या किसी को? अमेरिका, पाकिस्तान, यूएई। पाकिस्तान ने उनको ट्रेनिंग दी है, अमेरिका ने फंड किया है और सऊदी के साइड से वो लोग भेजे गए हैं। तो इन्वॉल्वमेंट एक बंदे का नहीं है, इन्वॉल्वमेंट एक बंदे का नहीं, पाकिस्तान अभी से नहीं। पाकिस्तान बहुत 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 सालों से हमारी कंट्री के अंदर इंटरफेरेंस करे जा रहा है और आज की डेट में अगर इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, अफगानिस्तान की ये हालत नहीं होती। बिकॉज तालिबान सारे के सारे कहाँ से आ रहे हैं? पाकिस्तान के बॉर्डर से, और पाकिस्तान से आ रहे हैं यहाँ पे। जब तालिबान भेजने की बारी आई तब तो उनके बॉर्डर्स खुले हुए थे, अभी जब मुसलमानों को और अफगानियों को वहाँ पे अपनी जान बचानी है तब उनके मुँह पे उनके लिए अपना बॉर्डर बंद कर दिया उन्होंने। तो दिस इज नॉट राइट। मोदी सरकार के लिए क्या कहना चाहेगा? यही मुझे सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 वीजाज खोल दिया जाए और फ्लाइट्स रिज्यूम किया जाए, ताकि हमारे जो फैमिलीज, हमारे फ्रेंड्स, हमारे जो अपने लोग बेचारे वहाँ पे फंसे हुए हैं और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ पे मर रहे हर दिन, उनको एक वे आउट मिल जाए और वो इंडिया में आके एक सेफ लाइफ जी पाए हमारी तरह। लेकिन इंडिया में पहले से तमाम यहाँ पर अफगानिस्तानी हैं, उनको वो सुविधाएं तो नहीं मिल पाई? नहीं, आप देखिए, मैं समझ रही हूँ, नहीं नहीं मिल पा रही। इंडिया के अपने अंदर इंडिया की पॉपुलेशन बहुत है, ऑन टॉप ऑफ दैट अगर इंडिया हमें यहाँ पे रख रही है तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी बिग थिंग एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द गवर्नमेंट कि इतने पॉपुलेशन होने के बाद भी फिर भी हमें निकाल नहीं रही है। पाकिस्तान की तरह हमें वहाँ पे जाके पाकिस्तान में जो रेफ्यूजीज हैं उनको हर तरीके से टॉर्चर किया जाता है, उनसे मारपीट होती है। कोई भी छोटा इंसिडेंट अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में होता है, सफ़र सिर्फ और सिर्फ रेफ्यूजीज जो पाकिस्तान में जी रहे हैं उनको करना पड़ता है हर सूरत हाल में। तो ऐसा कुछ हमारे साथ इंडिया गवर्नमेंट नहीं करती है, दे वेरी वेलकमिंग, हमें यहाँ पे काम करने को मिल रहा है, हम यहाँ पे अपनी सेफ लाइफ जी रहे हैं, हमारी अपनी आवाज़ है। मैं अगर इंडिया में रह रही हूँ तो मैं अपनी आवाज़ उठा पा रही हूँ बीइंग अ वुमेन, मैं ये चीज़ नहीं कर पाती अगर मैं अफगानिस्तान पे होती राइट नाउ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि अफगानिस्तान में महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या होगा? कुछ नहीं होगा, जब तक तालिबान वहाँ पर होंगे कोई औरत वहाँ पे सेफ नहीं है, कोई बच्चा वहाँ पे सेफ नहीं है, और तो और बच्चों को छोड़िए आप, कोई इंसान ही सेफ नहीं है वहाँ पे। एक महिला अफगानी फिल्म मेकर काफ़ी वोकल है ट्विटर पे और सारी जगह पे। हाल में देखा गया काबुल में कुछ महिलाएं सड़क पे आके प्रोटेस्ट कर रही हैं और तालिबान को रेजिस्ट कर रही हैं, इसको आप कैसे देखते हैं कि मतलब? They're very strong. I'm so proud of them. I'm so so proud of them कि इतना सब कुछ होने के बावजूद और इतने इतने ख़राब हालात में भी उन लोगों ने अपनी हिम्मत नहीं हारी है, और उन लोगों की हिम्मत की वजह से हम लोगों को भी हिम्मत आ रही है कि हम इंडिया में रहते हुए उनके लिए अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। आप राष्ट्रपति के भागने को कैसे देख रहे हैं आप? सरेंडर कर देना बिल्कुल तालिबान लड़ाकों के साथ? देखिए, सरेंडर अब इसमें दो साइड से, एक तो ये कि अगर वो सरेंडर ना करते तो उनके उस कुर्सी पे बैठने की वजह से बहुत सारे सिविलियंस अपनी जान खो देते, जैसे उन्होंने बोला था कि अगर आप रिज़ाइन नहीं करोगे तो वॉर होगी, और वॉर में सिर्फ और सिर्फ सिविलियंस की ही हमेशा बीच में ख़राब होती है और दे लूज देयर लाइफ्स। तो वन साइड इज दैट, द अदर साइड इज 70,000 लड़ाके हैं और अफगान सेना तो 3-3.5 लाख है। अब वो पॉलिटिकल इश्यूज है जो उनका पीछे से, जो कतर में जाके इन्होंने, अब इनके बीच में क्या वहाँ पे मीटिंग हुई है और क्या हुआ है तो उसके बारे में आई हैव नो आइडिया। आई जस्ट नो दैट आई वांट पीपल टू टॉक अबाउट अफगानिस्तान एंड रेज देयर वॉइस फॉर देम। तालिबान के लोग, तालिबान बोल रहे हैं कि ये पावर का ट्रांसफर है, शांतिपूर्ण पावर का ट्रांसफर। आप ट्रांसफर नहीं है, ये छीना गया है। छीनने में और ट्रांसफर करने में बहुत फर्क है। अगर आप किसी से छीन रहे हो उसका हक, उसको ट्रांसफर करना नहीं बोलते हैं। और
हमारी गवर्नमेंट को ज़बरदस्ती छीना है उन्होंने, हमने दिया नहीं है और ना ही हम लोग कभी खुश होंगे उनसे। तो वहाँ पे लोकतंत्र के बहाली के लिए यूनाइटेड नेशन के द्वारा क्या किया जाना चाहिए, किस तरह का हेल्प? और कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा और ना ही कुछ कर रहा है, कोई भी कुछ नहीं कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ US अपनी मिलिट्री फोर्सेज और जो लोग उनसे एसोसिएटेड है सिर्फ उन्हीं को निकलवा पा रहे हैं, बाकी सारे सिविलियन सफ़र कर रहे हैं। एम्बेसीज बंद हैं, एजेंसीज बंद हैं, NGOs बंद हैं, बिकॉज सबको अपनी लाइफ की पड़ी है, सब लोग भाग चुके हैं। जितने भी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे और जितने भी लोग थे वहाँ पे, सब लोग भाग चुके हैं अपनी लाइफ बचाने के लिए, तो सिविलियंस के लिए कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा है। आप वहाँ पे लड़ रहे हैं, लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? यहाँ भारत से आप जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आप उन्हें क्या संदेश देना चाहिए? दे शुड स्टे स्ट्रॉन्ग, उनको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हम उनके लिए खड़े हैं। यहाँ पे हम इंडिया में हैं, अमेरिका में हैं, US में, ऑस्ट्रेलिया में, कहीं पर भी हैं, हम उनके लिए हमेशा खड़े रहेंगे और हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे उनके लिए। थैंक यू।